मित्रों नमस्कार। कृषि दर्शन के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जो समय है ये खरीफ फसलों का समय है और खरीफ फसलों में अक्सर कीट व्याधि आने का प्रकोप बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। ऐसे में आप किस प्रकार से अपनी फसल को बचा सकते हैं, आज हम इसी विषय पर जानने वाले हैं। आज का हमारा विषय है सोयाबीन में रोग एवं कीट प्रबंधन। इसके बारे में विस्तार से जानकारी देंगे प्रदीप कुमार द्विवेदी जी, जो कि पौध एवं वैज्ञानिक संरक्षण है KVK रायसेन से। आइए विस्तार से जानते हैं कि किस प्रकार से हम अपनी सोयाबीन की फसल को बचाकर आर्थिक हानि भी से बच सकते हैं। सन वायु नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार द्विवेदी, वैज्ञानिक पौध संरक्षण कृषि विज्ञान केंद्र रायसेन से। आज बारिश का मौसम है, जैसा कि आप जानते हैं हमारे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल बहुत अच्छी हो रही है, तो सोयाबीन में कीट एवं रोग प्रबंधन के विषय में हम आज विस्तार से जानकारी देंगे। तो किसान भाइयों, सोयाबीन में जो प्रमुख रूप से कीट और रोग लगते हैं उसके बारे में हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारी बरसात की मौसम सोयाबीन की है, इसमें कीट का प्रकोप जो होता है प्रमुखता से, जैसे ब्लू बीटल का शुरुआती अवस्था में प्रकोप देखने को मिलता है, इसके बाद में सेमी लूपर कीट का प्रकोप देखने को मिलता है, इसके साथ ही साथ टोबैको कैटरपिलर, तना मक्खी, सफ़ेद मक्खी, गर्डल बीटल और इसके बाद में चने किल्ली, इस प्रकार के कीटों का प्रकोप प्रायः देखा जाता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि हमारे मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से जानते हैं, तो सोयाबीन की हमारी मध्य प्रदेश की बरसात के मौसम में एक प्रमुख फसल है खरीफ मौसम में। तो अगर हम थोड़ा सा इस पर असावधानी करते हैं तो निश्चित रूप से हमारी फसलों में करीब 50-60% तक नुकसान हो जाता है। तो किसान भाइयों से मेरा निवेदन है कि सोयाबीन में कीट प्रबंधन के लिए थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो निश्चित रूप से हम विपुल उत्पादन हमारे किसान भाई ले सकते हैं। तो ब्लू बीटल के नियंत्रण के लिए शुरुआत में हम देखते हैं कि अगर ब्लू बीटल का प्रकोप देखने को मिल रहा है, पत्ती कटी पटी दिखाई देती है, पत्तियों को शुरुआती अवस्था में एक काटता है, तो उसके लिए क्विनाल फास्ट 1.5% डस्ट आता है 25 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से उसका उपयोग करते हैं, 200 लीटर पानी में घोल बना करके छिड़काव कर देंगे तो निश्चित रूप से उससे फायदा मिलेगा, या क्विनाल फास्ट 25 cc 1.5 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से उसका उपयोग करेंगे तो ब्लू बीटल पर नियंत्रण पा सकते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि अगर इसमें सेमी लूपर का प्रकोप देखने को मिलता है तो सेमी लूपर के लिए प्रोफेनोफास 50 cc एक दवा आती है, प्रोफेनोफास 50 cc, इसको हम 125 लीटर प्रति हेक्टर के हिसाब से 500 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से जो है इस पर हम सेमी लूपर पर नियंत्रण पा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम इसका शुरुआत में प्रबंधन देखें कि शुरुआत में अगर हम इसका बीज उपचार करते हैं, जैसे कि इसमें एक सफ़ेद मक्खी का प्रकोप प्रायः देखने को मिलता है, तो शुरुआत अवस्था में जब फसल का बीज उपचार करते हैं तो पहले हम FIR पद्धति से, जैसे फफूंद नाशक, इसके बाद में कीटनाशक, इसके बाद में कल्चर, तो फफूंद नाशक में हम जैसे कार्बोक्सिन प्लस थीरम 2-3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज उपचार करके अगर हम फसल की बुआई करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा तना मक्खी के प्रकोप में और सफ़ेद मक्खी के प्रकोप में नियंत्रण देखा जाता है, साथ ही साथ उसमें जो रोग आते हैं उस पर भी नियंत्रण पा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें सफ़ेद मक्खी के प्रकोप को रोकना है तो हमारे पास इमडाक्लोरपिड 48 FS 1.25 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से, या थायोमेथाक्जाम 30 FS 10 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से अगर बीज उपचारित करते हैं तो सफ़ेद मक्खी का प्रकोप 25-30 दिन तक प्रायः देखने को नहीं मिलता, उस पर हम नियंत्रण पा लेते हैं। साथ ही साथ स्टेम फ्लाई एक बहुत भयंकर कीट लगता है, इसके नियंत्रण के लिए हम शुरुआती अवस्था में करीब जब फसल हमारी 12-15 दिन की अवस्था में होती है उस समय ये इसका इंसिडेंस यानी प्रकोप शुरू हो जाता है, और बाद में जब फसल हमारी करीब 40-50 दिन की होती है उस समय इसका प्रकोप प्रायः लक्षण के रूप में पत्तियां सूखी हुई दिखाई देते हैं, इस प्रकार से पत्ते फसल हमारी पीली हो जाती है। उसके नियंत्रण के लिए भी हम जैसे थायोमेथाक्जाम 70 WS की एक दवा आती है, 3 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से अगर बीज उपचार कर लेते हैं तो हमारा तना मक्खी पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। साथ ही साथ इसमें जो चने किल्ली और तंबाकू किल्ली, ये दो कीट प्रायः प्रमुख देखे जाते हैं, इसके लिए हम अगर हमारी हम कॉम्बिनेशन की जो दवाएं आती बीटा साइप्रोटिन प्लस इमडाक्लोरपिड और थायोमेथाक्जाम प्लस जो है लेमडा साइलोथ्रिन 125 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से अगर इसका उपयोग करते 500 लीटर पानी में घोल बना करके, या बीटा साइप्रोथ्रिन प्लस इमडाक्लोरपिड ये 350 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से 500 लीटर पानी में घोल बना के अगर हम छिड़काव करते हैं तो निश्चित रूप से जो हमारी स्टेम फ्लाई का प्रकोप है उस पर हम काबू पा सकते हैं। साथ ही साथ अगर टोबैको कैटरपिलर का कहीं प्रकोप देखने को मिलता है तो स्पाइनोटोरम 11.780 की एक दवा आती है, उसका उपयोग अगर हम करते हैं तो निश्चित रूप से 750 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से इसका उपयोग करेंगे तो गर्डर इस पर तंबाकू की इल्ली पर भी प्रकोप इस पर हम नियंत्रण पा सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखते हैं कि कहीं पे
हमारा पीला रोग फैलने की समस्या रहती है, जो सोयाबीन में पीला मोजैक की जो समस्या आती है, ये प्रायः सफ़ेद मक्खी से फैलता है। तो इसके हमें नियंत्रण के लिए हमें सफ़ेद मक्खी का नियंत्रण करना रहता है। तो जैसे हमारी सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स की जो दवाइयाँ आती हैं उसके हमें नियंत्रण करना रहेगा। साथ ही साथ अगर हम बीज उपचार शुरुआती अवस्था में कर लेते हैं, जैसे थायोमेथॉक्साम 30 FS दवा 10 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से, या इमिडाक्लोप्रिड 48 FS 7 ml प्रति किलो बीज के हिसाब से, तो ये 25 से 30 दिन तक हमारी सफ़ेद मक्खी से नियंत्रण कर सकता है। इसके साथ ही साथ सफ़ेद मक्खी हमारी जब 25 से 30 दिन की जब फसल हो जाती है तो प्रायः 50 से 60 दिन तक अपना जो प्रभाव छोड़ती है, फसल पर नुकसान पहुंचाती है, फसल पीली होने लगती है, पीले धब्बे आने लगते हैं। तो उसके नियंत्रण के लिए थायोमेथॉक्साम 25 WG जो दवा आती है, 125 ग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 500 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करते हैं, उस पर हम काबू पा सकते हैं। साथ ही साथ हमारी जो दूसरी दवाइयाँ आती हैं, जैसे हमें सिंथेटिक पायरेथ्राइड्स की दवा का उपयोग नहीं करना है, बीटा साइफ्लोथ्रिन प्लस इमिडाक्लोप्रिड जो है इसको हमें 150 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करेंगे, और लैम्डा साइफ्लोथ्रिन प्लस जो है इमिडाक्लोप्रिड जो दवा है उसका भी हमें 125 ml या 150 ml प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करेंगे, तो इस पर हम काबू पा सकते हैं। तो किसान भाई, अगर हमारा इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट जो हमारा एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन है, उस पर भी हमें विशेष ध्यान देना होगा कि शुरुआती अवस्था में हमारी फसलों में रोग एवं कीटों का प्रकोप कम हो, इसके लिए हमें इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट पे जाना पड़ेगा या एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन पे जाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि प्रायः जो हमारा एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन के लिए शुरुआत में हम गर्मी की गहरी जुताई करें, अच्छी बीजों का हम चुनाव करें, अच्छी प्रजातियों का चुनाव करें, साथ जैसे कि जानते हैं RBS 2001-4, RBS 98, GS 2098, GS 2069, GS 2034, इस प्रकार के NRC 138, NRC 140 बहुत अच्छी प्रजातियां आ गई जिनमें इन कीटों का रोगों का प्रकोप कम होता है। तो हमें बीज उपचार करें, साथ साथ गर्मी की गहरी जुताई करें, लाइट ट्रैप का प्रयोग करें जिसमें हमारे जो हमारे नुकसानदायक कीटों का उसमें अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित होते हैं, उससे हम नियंत्रण कर सकते हैं। साथ ही साथ शुरुआती अवस्था में हम फेरोमोन ट्रैप्स का प्रयोग कर लें जिसमें हमारी तंबाकू किल्ली और चने किल्ली का जो उसमें नर रहता है वो आकर्षित होता है, उसको हम बंद कर लेते, तो आगे की जो संस्तति है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, बर्ड पर्चर लगा लेंगे, उस पर पक्षी बैठ कर हमारी इल्लियों को पकड़ लेते हैं और उसको खा लेते हैं, जिससे हमारी फसलों पर नुकसान नहीं होता। साथ ही साथ हमारे जो है लाइट ट्रैप, फेरोमोन ट्रैप, इसके बाद में अंतर्वर्ती फसल के रूप में जैसे मक्का का लगा लेते हैं, चारों तरफ हम गेंदा लगा लेंगे तो चने की कीट का प्रकोप कम होगा। साथ ही साथ हम जो अरहर की फसल लगा लेंगे तो उससे क्या होता है कि अगर हम इंटरक्रॉपिंग भी करते हैं उससे भी हमारे कीटों रोगों पर प्रकोप कम होता है। साथ ही साथ हम देखते हैं कि हमारे कुछ जैविक कीटनाशक है, जैविक फफूंदनाशक है, जैसे जैविक कीटनाशक में बैसिलस थुरिजिनसिस 1 किलो बैक्टीरिया होता है, 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से 500 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करेंगे तो तंबाकू किल्ली, चने किल्ली जो हमारी नियंत्रित हो जाती है। साथ ही साथ जो हमारा कुछ फंगस आते हैं, बायोफंजीसाइड्स आते हैं, जैसे ब्यूवेरिया वैसियाना, तो ब्यूवेरिया वैसियाना का अगर हम उपयोग करते हैं तो 1 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से इसे हम घोल बना के छिड़काव करेंगे तो हमारी जितनी भी चने किल्ली हो या तंबाकू किल्ली हो, सेमी लूपर हो, तो इन पे हम काबू पा सकते हैं। साथ ही साथ हमारा न्यूक्लियर पॉलीहाइड्रोसिस वायरस, एक वायरस रहता है जो 250 ml प्रति हेक्टर के हिसाब से घोल बना के छिड़काव करेंगे फसलों पे 500 लीटर पानी में, तो ये 1 हेक्टेयर के लिए दवा होती है, तो निश्चित रूप से हमारी जो तंबाकू किल्ली है, चने किल्ली है, इस पे हम नियंत्रण पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये तो हमारे कुछ कीट हुए, साथ ही साथ हमारी सोयाबीन के फसल में कुछ रोगों का भी प्रकोप देखने को मिलता है। तो रोगों के प्रबंधन के लिए अगर शुरुआत में हम फसल का बीज उपचार कर लेते हैं, तो बीज उपचार हमारा जैसे एक जैविक दवा, जैविक एक फफूंदनाशक रहता है ट्राइकोडर्मा वीडी, इसको 5 से 10 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से अगर बीज उपचार करते हैं तो जितने भी हमारे, चाहे वो चारकोल राट हो, कॉलर राट हो, एंथ्रेक्नोज हो, पार्ट ब्लाइट हो, इस प्रकार के जो रोग प्रायः देखने को मिलते हैं फसल में, इस पर हम काबू पा सकते हैं। तो ट्राइकोडर्मा वीडी का उपयोग करें, अगर ट्राइकोडर्मा वीडी नहीं मिलता तो हमारा जैसे एक फफूंद नाशक रहता है, केमिकल रासायनिक फफूंद नाशक है, जैसे कॉर्बोक्सिन प्लस थीरम, इसको 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज हिसाब से बीज उपचारित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से हमारी जो फसल है रोगों से रोक जाती है। साथ ही साथ जैसे हमारा एक नई टेक्नोलॉजी आ गई कि हम रेज बेट या रेज एंड फरो या मेड नाली पद्धति से अगर सोयाबीन लगाते हैं तो अधिक नमी के कारण जो कॉलर राट की जो समस्या एक आती है, जिसको कॉलर राट, जड़ सड़न कहते हैं, तो इस रोग पे हम सोयाबीन में हम रुकावट कर सकते हैं बीज उपचार से। साथ ही साथ अगर मेड़ नाली पद्धति से करते हैं तो पानी का जो है जल निकास अच्छा हो जाता है, जिससे इस रोग पे जो है काबू पा सकते हैं। साथ ही साथ जो एक चारकोल रॉट की जो समस्या आती है, जब फसल में
नमी की कमी रहती है, ड्राई स्पेल आ जाता है, सूखा आ जाता है, तो उस समय हमारी जगह मेड़ पे पौधा रहता है तो उससे हमारी नमी बनी रहती है तो वो रोग का प्रकोप कम होता है। तो हमारी जो रेज बेड या मेड़ नाली पद्धति तकनीक है इसका किसान भाई उपयोग करें। साथ ही साथ हम देखते हैं अगर कहीं पे चारकोल रॉट या कॉलर रॉट की समस्या देखने को मिलती है तो ट्राइकोडर्मा वीडी को हम गोबर की खाद में मिला करके अपने खेतों में बुआई के समय अगर हम डालते हैं तो निश्चित रूप से इस रोग को हम कम कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम ये प्रक्रिया नहीं कर पाते हैं तो हमारे पास जैसे हेक्जाकोनाजोल 5% इसी की दवा आती है, 400 ml हम प्रति एकड़ के हिसाब से अगर घोल बना के 200 लीटर पानी में छिड़काव करेंगे तो चारकोल रॉट और कॉलर रॉट की समस्या को हम निजात पा सकते हैं। साथ ही साथ जब हमारी फसल बड़ी होने लगती है तो बड़ी होने पे क्या होता है कि पॉड ब्लाइट या एंथ्रेक्नोज की समस्या देखने को मिलती है, पत्तियों में धब्बे दिखाई देंगे, फलियों में धब्बे दिखाई देंगे। तो इस रोग के नियंत्रण के लिए जैसे कार्बेंडाजिम 50% W एक दवा आती है उसको हम 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से अगर घोल बना के छिड़काव करेंगे तो निश्चित रूप से इस रोग पे हम काबू पा सकते हैं। साथ ही साथ हम देखते हैं कि आगे जब हमारा कहीं पे चारकोल रॉट की समस्या देखने को मिलेगी या इस तरीके के और हमारे कुछ हमारे रोगों से फसल प्रभावित होती है तो इंटीग्रेटेड रोग प्रबंधन हमें करना पड़ेगा, एकीकृत हमें कीट एवं रोग प्रबंधन करना पड़ेगा। शुरुआत से हमें बीज उपचार करना है, अपने खेतों में नीम की निमौली को हमें 60 से 70 किलोग्राम फोड़ करके अपने खेतों में बिखेरना है। साथ ही साथ गोबर की खाद के साथ में 100 किलो गोबर की खाद में ट्राइकोडर्मा वीडी पाउडर को 1 किलोग्राम हमें मिला करके और बुआई के समय अपने अगर खेतों में हम डालते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जो फसल में रोग आ रहे होते हैं उस पर हम काबू पा सकते हैं। साथ ही साथ हमें देखने को मिलता है कभी कभी हमारी फसल में चूहों की भी समस्या देखने को मिलती है कि जब शुरुआत में फलियां लगने लगती है चूहों का प्रकोप प्रायः देखने को मिलता है तो जो हमारे खेत के आसपास जितने भी हमारे बिल होते हैं जो जीवित बिल होते हैं उनमें हम क्या करते हैं कि वहाँ पे हमें जीवित बिल में हमें उपयोग करना है। जैसे हमारी जिंक फास्फाइड दवा आती है तो जो हमारे पास कोई लाई है या पुराना गेहूं है या पुराना अनाज रखा है उसमें 2% के हिसाब से मीठे या सरसों के तेल में मिला करके उसको हम बिलों के आसपास रख देते हैं जिससे हम उन चूहों पर भी काबू हम पा सकते हैं। तो ये हमारी कुछ सोयाबीन से संबंधित कीट एवं रोग प्रबंधन के विषय में जानकारी थी कि जो हमारी फसलों में करीब 60 से 70% तक जो सोयाबीन में क्षति हो सकती है उस पर हम किस प्रकार से इसमें हम काबू पा सकते हैं। तो इसमें प्रायः देखा गया है कि जो हमारे प्रमुख कीट एवं रोग हैं तो उसमें जैसे स्टेम फ्लाई या तना मक्खी या गर्डल बिटल, तो इसमें हम प्रायः देखते हैं कि तना मक्खी और गर्डल बिटल में क्या होता है कि जो हमारे तने के पास जो हिस्सा रहता है वहाँ पर एक छोटा सा एक छेद होता है तो वो हमें स्टेम फ्लाइट का रोग हमें दिखाई देता है और वो कीट के द्वारा होता है, वो पत्तियां उसमें सूखने लगती हैं। गर्डल बीटल में क्या होता है कि जब गर्डल बीटल का प्रकोप प्रायः देखा जाता है तो इसमें जो है रिंग बनाती है, इसकी जो नर रहता है वो रिंग बनाता है और रिंग में वहां पे अंडे दे देता है तो उसके लार्वा जो उसी के अंदर से प्रवेश करके हमारी फसल को जो है नुकसान पहुंचाते, पत्तियां सूखने लगती हैं। तो जब पत्तियां पौधा कमजोर होने लगता है, फोटोसिंथेसिस की कमी हो जाती है और फसल हमारी कमजोर होने लगती है। तो हमें प्रायः जो है गर्डल बीटल और तना मक्खी का भी हमें नियंत्रण करना है। तो यहाँ पे हमने जाना कि किस प्रकार से हम अपनी सोयाबीन की फसल को रोग एवं कीट से बचा सकते हैं, साथ ही बेहतर प्रबंधन करके हम आर्थिक हानि से भी बच सकते हैं। यहाँ पे समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आगे भी कार्यक्रम का सिलसिला जारी रहने वाला है। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी स्वतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ, अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15%
नाइट्रोजन क्षमता। यहाँ पे अब हम एक छोटी सी क्लिप देख लेते हैं प्राकृतिक खेती के बारे में। प्राकृतिक खेती एक ऐसी खेती है जहाँ से हम आय तो बढ़ाते हैं, साथ ही इस समय केंद्र सरकार का भी इस ओर विशेष रूप से ध्यान है कि किस प्रकार से हमारे किसान भाई का रुझान प्राकृतिक खेती की ओर बढ़े। तो आइए एक नज़र डालते हैं प्राकृतिक खेती पे। भोजन, जल और शुद्ध वातावरण हमारे जीवन का मुख्य आधार है और कृषि इसका मूल स्तंभ। पिछले 60 वर्षों में विज्ञान आधारित कृषि का व्यापक प्रसार हुआ है, साथ ही कृत्रिम संसाधनों के बढ़ते प्रयोग से कृषि की सतत क्षमता पर चिंताएं बढ़ी हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व के अंतर्गत रसायन मुक्त जैविक खेती एक महत्वपूर्ण प्रयास है। रसायन मुक्त जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्ष पूर्व सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना तथा उत्तर पूर्व भारत में जैविक मूल्य श्रृंखला योजनाएं आरंभ की। ऑर्गेनिक फार्मिंग को देश भर में बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसके लिए परंपरागत कृषि विकास योजना के तहत काम किया जा रहा है। ना सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग को बल दिया जा रहा है बल्कि उसके लिए वैल्यू एडिशन और मार्केट की व्यवस्था भी की जा रही है। भारत सरकार एवं किसानों के सम्मिलित प्रयासों से आज देश के लगभग 36 लाख किसान 38 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश के अनेक ऐसे क्षेत्र हैं जहां आज भी पारंपरिक जैविक खेती हो रही है। इन पारंपरिक जैविक क्षेत्रों को जैविक प्रमाणीकरण सुलभ कराने हेतु PGS के अंतर्गत लार्ज एरिया सर्टिफिकेट का प्रावधान किया गया है। इस प्रक्रिया की विशिष्टता ये है कि इसमें प्रमाणीकरण मात्र 2 से 3 महीनों में हो जाता है, जबकि सामान्य परिस्थितियों में इसमें 2 से 3 वर्ष का समय लगता है। अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश के कार निकोबार एवं नैन काउरी द्वीप समूह देश के सर्वप्रथम ऐसे प्रमाणीकृत जैविक क्षेत्र हैं। अभी हाल ही में संपूर्ण लक्षद्वीप को जैविक खेती के रूप में प्रमाणित किया गया है। वर्ष 2016 में सिक्किम राज्य पूर्ण जैविक कृषि राज्य के रूप में प्रमाणित हो चुका है। सुदूर उत्तर में हिमालय श्रृंखला के बीच स्थित लद्दाख ने भी पूर्ण जैविक के लक्ष्य की ओर बढ़ना शुरू कर दिया है। जैविक उत्पादों को बाजार सुलभ कराने तथा किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच बनाने के लिए एक समर्पित जैविक खेती पोर्टल भी बनाया गया है। जैविक खेती पोर्टल के जानकारी मंच और विपणन मंच के माध्यम से किसानों को उच्च गुणवत्ता उत्पादन तथा बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। आशा है देश के सभी राज्य अपने जैविक क्षेत्रों का विस्तार करेंगे और देश में जैविक कृषि क्रांति को मजबूत करने में योगदान देंगे। जैविक उत्पादों की देश और विदेशों में बढ़ती मांग तथा जैविक उत्पादों का बढ़ता बाजार, किसानों की उपभोक्ताओं तक पहुंच तथा जैविक FPO द्वारा जैविक कृषि व्यापार में भागीदारी हमारे किसानों को अपनी आय बढ़ाने का अवसर दे रहा है। पिछले 5 वर्षों में जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात दोगुने से अधिक बढ़कर 7,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है और इसमें प्रतिवर्ष 20% से अधिक की वृद्धि हो रही है। उम्मीद है पारंपरिक क्षेत्र के किसान भी इस बढ़ते बाजार से लाभान्वित होंगे और जैविक कृषि आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। किसानों की मुस्कान समृद्ध हिंदुस्तान की है पहचान। तो किसान भाइयों, आज के अंक में हमने बहुत ही विविध प्रकार के जो विषय हैं उन पे जानकारी ली है। तो चलते चलते एक नजर और डाल लेते हैं कृषि जगत से जुड़ी हुई खबरों के बारे में जानने का। एक नजर डालते हैं खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं प्रमुख समाचारों पर। बाजरा होगा लोकप्रिय, कृषि के लिए लाभकारी ड्रोन, सब्सिडी पर राइस ट्रांसप्लांटर, जेंडर न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट और गेंदे की खेती में मुनाफा। और अब खबरें विस्तार से।
बाजरा और अन्य पोषक अनाज को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार देश और विदेश में कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष विषय पर आयोजित बैठक में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने ये जानकारी दी। साल 2023 अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष को भव्य तरीके से मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके अंतर्गत उत्पादन, खपत, निर्यात और ब्रांडिंग आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। योजना में बाजरे पर आधारित उत्पादों सहित पकाने और खाने के लिए तैयार खाद्य पदार्थों को शामिल किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि पोषक अनाजों को बढ़ावा देने संबंधी कार्यक्रमों की निगरानी के लिए एक कोर समिति का गठन किया गया है। बाजरा प्रोटीन, फाइबर, खनिज, आयरन, कैल्शियम सहित अन्य पोषक तत्वों से भरपूर अनाज है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफ़ी कम होता है। पिछले कुछ समय से देश विदेश में बाजरे सहित अन्य पोषक अनाजों की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत बाजरे का प्रमुख उत्पादक देश है। एशिया का 80% बाजरा भारत में ही उगाया जाता है, जबकि विश्व स्तर पर बाजरा उत्पादन में भारत की भागीदारी 20% है। कृषि क्षेत्र के लिए मील का पत्थर साबित होगी ड्रोन तकनीक। ड्रोन की सहायता से कृषि का विकास तेजी से हो पाएगा। ये बात भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान के निदेशक डॉक्टर सी आर मेहता ने संस्थान की बैठक में कही। उन्होंने कहा कि ड्रोन के द्वारा सिंचाई, कीटनाशक छिड़काव सहित अन्य छोटे बड़े कृषि कार्य आसानी से हो जाएंगे। कार्यक्रम में पत्र सूचना कार्यालय भोपाल के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराबे ने आपदा प्रबंधन, विशेष रूप से बड़े और आकाशीय बिजली से बचाव के बारे में विस्तार से बताया है। श्री पाठराबे ने इस संबंध में पीआईबी भोपाल और केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा किए जा रहे संयुक्त प्रयासों की जानकारी भी दी। इस अवसर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी का लाइव डेमो भी दिया गया। कार्यक्रम में डीडीजी डिजिटल सुशी नवनीत कौर सहित बड़ी संख्या में अधिकारी और विशेषज्ञ भी मौजूद थे। इन दिनों खरीफ फसलों की खेती का काम तेजी से चल रहा है। धान की बुआई भी जोरों शोरों से हो रही है। सरकार ने इस साल राज्य में करीब 36 लाख हेक्टेयर में धान की फसल बोने का फैसला किया है, जो पिछले साल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। धान की खेती में किसानों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, इस को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पैडी राइस ट्रांसप्लांटर खरीदने के लिए सब्सिडी देने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार ने किसानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। किसानों को धान की बुआई का काम झटपट निपटाने में राइस ट्रांसप्लांट सहायता करेगा। इसमें 4 से लेकर 8 कतारों के रूप में रुपाई हो पाएगी। पौध से पौध की दूरी का काम भी मशीन आसानी से कर लेगी। प्रदेश सरकार ट्रांसप्लांटर खरीदने के लिए किसानों को 50% की सब्सिडी प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश में किसानों को अलग अलग योजनाओं के अंतर्गत अलग अलग कृषि यंत्र खरीदने के लिए सब्सिडी देने की व्यवस्था की गई है। कृषि विज्ञान केंद्र छिंदवाड़ा में जेंडर न्यूट्रिशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत परंपरागत अनाज को बचाने, बढ़ाने और जन जन तक उसे पहुंचाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर खाद्य विशेषज्ञों द्वारा पारंपरिक भोजन के बारे में विस्तार से बताया गया। कुपोषण की रोकथाम के लिए ये भोजन किस तरह से फायदा पहुंचा सकता है, इस बारे में जानकारी दी गई। जवाहरलाल कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में छिंदवाड़ा क्षेत्र का पौष्टिक पारंपरिक व्यंजन मक्के की खूट को बनाने की विधि बताई और सिखाई गई। इस मौके पर अधिकारियों, विशेषज्ञों सहित बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी उपस्थित थे। हमारे आसपास अगर फूल खिले हो तो पूरे वातावरण खुशनुमा हो जाता है। शायद ही ऐसा कोई समारोह, उत्सव और कार्यक्रम होगा जहां फूलों की बहार ना हो। परंपरागत अनाज के साथ साथ फूलों की खेती कर किसान भरपूर लाभ भी कमा सकते हैं। इन दिनों बरसात का मौसम भी चल रहा है। इस मौसम में गेंदे के फूलों का तेजी से विकास होता है। गेंदे का फूल कम खर्च में अच्छा लाभ देता है। साथ ही इसकी खास बात ये है कि ये भूमि की उर्वरा शक्ति को बचाए रखता है। खरीफ सीजन में गेंदे की रुपाई आमतौर पर जून जुलाई में की जाती है, लेकिन जहां पानी की अधिकता होती है वहां किसान इसे अगस्त तक भी रोप सकते हैं। अक्टूबर से फरवरी तक इसे फूलने का समय आ जाता है। खास बात यह है कि फूलों से लदे इस पौधे के तने से लेकर फूल तब सब बिकते हैं, इसलिए किसान इसकी खेती पर खूब मुनाफा भी कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।